कहते हैं जी कि तब्दीली मरकज देहली के बारे मौलाना साद साहब के बारे में कुछ लोग बुरा भला कहते हैं, अल्लाह सबको हिदायत दे। हमें जिस बात का पता ही नहीं है तो हम बुराई करके क्यों शरीक। एक उसूली बात याद रखो कि एक मसला है, मसलन वो देहली से ताल्लुक रखता है, हमें क्या पता है। इसीलिए एक आदमी ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक जो अमीरुल मोमिनीन है, फिर हदीस इतना बड़ा आदमी है कि हमें हदीस का बादशाह है, अमीरुल मोमिनीन का माना ये होता। और ये इतना बड़ा आदमी है कि इमाम बुखारी का भी उस्ताद, और ये इतना बड़ा आदमी है कि उलमा ने लिखा है कि जिसके जिक्र करने से, नाम लेने से भी अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है, इतना बड़ा आदमी है। और ये भी आपको सुन के बड़ी खुशी होगी कि इमाम अबू हनीफा का शागिर्द, इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, इमाम हनीफा के शागिर्द रहमतुल्लाह है। उनके बाद एक आदमी आया, उसने कहा हजरत हमारे यहाँ बड़ा इख्तलाफ चल रहा है यजीद के बारे में कि हम क्या कहें, हम उसको फासिक कहें, फाजिर कहें, काफिर कहें, या हम उसको बेगुनाह कहें। ये दो जमातें बन गई हैं और आपस में झगड़ रही हैं। फरमाया मेरे भाई, अल्लाह ने उस वक्त से हमें महफूज रखा, हम उस वाक्य में शरीक नहीं हुए, वरना किसी जमात से तो होते ना, या यजीद के साथ खड़े होते या हुसैन के साथ खड़े होते। जब उस बात से अल्लाह ने हमें बचा लिया है तो अब अपने फतवे लगा कर क्यों अपने आप को गुनाह करते हो। अल्लाह जाने, अल्लाह का काम जाने, अल्लाह तबारक व तआला की किसी की मौत के बाद क्या पता होता है। एक आदमी बिल्कुल काफिर होता है, आखिरी घड़ी में अल्लाह इस्लाम नसीब कर दे। एक आदमी बहुत बड़ा डाकू है, कातिल है, अल्लाह ने तौबा की तौफीक दी, तौबे की मर गया। कहा उनके मामलात को छोड़ो, अल्लाह जाने, अल्लाह का काम जाने, हम क्यों बहस करें, हम बहस करके अपने आप को उसमें शामिल क्यों करें, वजह क्या है उसकी। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये भी याद रखो कि यजीद जो हैं ये हजरत हुसैन के बड़े करीबी रिश्तेदार हैं। हजरत हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब हैं और यजीद इब्ने मुआविया इब्ने अबी सुफियान है, ये तो करीबी रिश्तेदार हैं। तो इनके मौजू को छोड़ दो। इसलिए मेरा भाई, अगर दिल्ली के उस मरकज के बारे में कोई बातें हैं, अल्लाह हिदायत दे, हमें कोई पता नहीं है। बहरहाल जो हक पे हो अल्लाह उसकी मदद करे, और जो गलती पे हो अल्लाह उसको हिदायत। एक औरत ने हैज की हालत में मीकात पे पहुंच के उमरे की नियत की, उमरा 3 दिन के बाद अदा किया, 3 दिन हालत एहराम की पाबंदी में रही। जब अपने कमरे में अकेली थी तो अक्सर सर पर दुपट्टा न लिया, ये बर्गर वगैरह भी खाया, खुशबू और साबुन इस्तेमाल नहीं किया। उम्र में कबूलियत में कोई फर्क नहीं आता, बर्गर खाने से उम्र नहीं खराब होगा, जितना मर्जी आए खाओ। वो तो तकवे वालों का मकाम है जो इन चीजों से बचते हैं, तेरा मेरा ये मकाम नहीं है। फतवा तो जवाब का है ना, तभी तो ऐसे इस्लामी मुल्क ने इजाजत दी है कि वो चल रहे हैं। हाँ, एक है तकवा, तकवे का मकाम यह है कि ये चीजें ना खाए, बर्गर है, ये बैक है, ये पिज्जा है, ये केंटाकी है, ये सब यहूदियों की फ्रेंचाइज हैं और उन पे हमें कोई एतबार नहीं कि उन्हें इसमें क्या डाला हुआ। इसमें एक भी मुसलमानों की फ्रेंचाइज नहीं है, सारी फ्रेंचाइज जो है ना जी वो काफ़ी। इसी तरह जितने बेवरेजेज हैं, यानी यूं समझ लें कि 7 अप है, पेप्सी कोला है, मरंडा है, फांटा है, ये सब बेवरेज है यहूदियों के। मटीरियल वहां से आते, आपके मुल्क का तो सिर्फ पानी होता है, वो बोतल में उतनी मिकदार डाल के, पानी डाल के प्रेशर से बंद कर देते हैं, बस आप तो सिर्फ ये काम करते हैं, असल चीज तो वो भेजते हैं।
میں ڈالتے ہیں اللہ عالم. حتیٰ کے بعد لوگوں نے تو تحقیق کی ہے کہ یہ پیپسین جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ نشے والی چیزوں کا ٹچ ہوتا ہے. یہ وہ ڈالتے بڑی قلیل مقدار میں ہیں کیونکہ یہ سلو پوائزن ہے. آپ ایسا کریں اس کا تجربہ کریں کہ چھوٹا بچہ ہوئے نا ایک سال کا دو سال کا, اس کو چمچ سے ذرا دو تین دن پیپسی پلائیں, پھر اس کے سامنے وہاں جا کے بوتل رکھ لیں, وہ یہاں سے گھسٹ کے جائے گا بوتل ڈھونڈے گا. کیوں؟ نشہ لگ گیا نا. اس لیے یہ تقوی کا کام ہے, متقی لوگوں کا کام ہے جو بچتے ہیں. آپ ہمارا کیا ہے, ہمیں تو بس دعا کرو کہ اللہ حاضری قبول فرمائے اور معاف کر. ورنہ ایک دفعہ بکری چوری ہو گئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کسی کی, جس جگہ آپ رہتے تھے, تو لوگوں کو بلایا, یار بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جی 3 سال 4 سال میں مر جائے. کہا اتنے دن یہاں سے گوشت نہ لو, یا تو باہر سے بکری خرید کر کے لے آؤ, بازار سے نہیں لے, پتہ نہیں ہوئی چوری والی بکری نہ ہو. اب یہ احتیاط میں کرتا ہے. اچھا, آپ جتنے پھل کھا رہے ہیں, جی آم کا موسم ہے, سیب کا موسم ہے, اور اس کے بعد جناب کنو کا موسم ہے, مالٹے کا موسم ہے, یا جتنے پھل ہیں, اگر اس کی فقہی طور پہ تحقیق کریں تو کھانا ناجائز ہے. اس کی وجہ یہ ہے, حضور کی حدیث ہے کہ کوئی ثمر اس وقت تک نہ بیچا جائے جب تک کہ وہ ظاہر نہ ہو جائے, یعنی اس کو عملی لگ جائے, نظر آئے. ہم تو 3-3 سال کا کٹھے بیچ دیتے ہیں, حلال کیسے ہو گیا یہ؟ تو بس میرا بھائی, انا للہ و انا الیہ راجعون. بس اللہ کریم ہے, بس بخشتے. میری بیٹی آپ کا عمرہ ٹھیک ہو گیا, کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے دوپٹہ اتارا گھر میں کمرے میں بیٹھ کے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لوگوں کے سامنے منع ہے نا,